हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आज वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ओला के अंदर गाड़ी को कैसे अटैचमेंट करते हैं, ओला के अंदर कौन सी एप्लीकेशन यूज करना है, ड्राइवर एप्लीकेशन यूज करना है कि हमको ओला ऑपरेटर एप्लीकेशन यूज करना है। इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना रहता है कि आसिफ भाई गाड़ी को अटैचमेंट ऑनलाइन खुद से प्रोसेस करना हो तो ओला की ड्राइवर एप्लीकेशन यूज करें या फिर ओला की ऑपरेटर एप्लीकेशन यूज करें। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आप ओला रे उबर के अंदर कोई भी अपना गाड़ी अटैचमेंट कर रहे हैं या फिर ड्राइवर अटैच कर रहे हैं, अपना पार्टनर चेंज वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको ऑपरेटर एप्लीकेशन ही यूज करना चाहिए दोनों के अंदर। उबर में भी उबर की फ्लीट एप्लीकेशन यूज करना चाहिए और ओला की कर रहे हैं तो ओला की ऑपरेटर एप्लीकेशन यूज करना चाहिए। चाहे आप ड्राइवर ऐड करो या चाहे आप गाड़ी को ऐड करो या फिर आपके पास एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी और ले लिया आपने तो वो भी ऐड करना चाहते हैं, तो जो भी काम करना है ना अटैचमेंट का जो भी काम करना है वो आपको ऑपरेटर एप्लीकेशन से यूज करना चाहिए। तो आज का कंटेंट इसी के ऊपर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों आज का वीडियो कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे कि जो भी गाड़ी को अटैचमेंट करने के जो प्रोसेस होते हैं वहां पर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। पिछले बार ये वीडियो के अंदर मेरे पास एक कमेंट आया था कि आसिफ भाई जो ओला की फ्लीट एप्लीकेशन है, वो ओला की ऑपरेटर एप्लीकेशन है, उसके अंदर गाड़ी का अटैचमेंट का जो ऑप्शन होता है उसमें कुछ आ ही नहीं रहा है, ड्राइवर में कुछ दिख नहीं रहा है, गाड़ी को अटैचमेंट करते कैसे है। तो अगर आप ओला और उबर की एप्लीकेशन को लेकर जो कन्फ्यूज थे वो मैंने आपको बता दिया कि जब भी कोई गाड़ी वगैरह या फिर ड्राइवर वगैरह आप अटैचमेंट कर रहे हैं ना तो वहां पर ऑपरेटर एप्लीकेशन या फिर फ्लीट एप्लीकेशन, उबर की फ्लीट है ओला की ऑपरेटर है, इन दोनों एप्लीकेशन को यूज करना है, ड्राइवर एप्लीकेशन को यूज नहीं करना है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा पेंडिंग डॉक्यूमेंट पड़ रहते हैं, जल्दी आपको अप्रूवल नहीं मिलता है। तो जो भी काम करें ऑपरेटर एप्लीकेशन को बनाएं। तो ऑपरेटर एप्लीकेशन जो बनाई गई है ना वो इसके लिए ही बनाई गई है कि जो भी आप ओनर हैं, आप ऑपरेटर हैं अपनी गाड़ियों के, ड्राइवर और गाड़ियों के, तो आपके लिए वो परफेक्टली एप्लीकेशन है इसके लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा ओला की एप्लीकेशन के अंदर आपको कौन से ऑप्शन में जाकर के अपनी गाड़ी की ड्राइवर ऐड करना है और क्या गाड़ी ऐड करना है, तो उन दोनों के ऑप्शन आपको कहाँ से शो होंगे और वहां से आप कौन से डॉक्यूमेंट किस तरीके से फिल करना है। तो यहाँ पर मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन लगाऊंगा, वहां पर आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप को, मैं सारी चीजें वहां पे बता दूंगा आपको कौन सा कहाँ पे क्या निकलेगा। तो फाइनली मेरी यहाँ पर एक स्क्रीन आपको दिख रही होगी, यहाँ पे आ गई होगी। जब भी आपका अगर क्यों न्यू अकाउंट है, न्यू अटैचमेंट है, तो आपने ओला की ऑपरेटर एप्लीकेशन को साइन अप कर लेना है, नंबर डाल के ओटीपी डाल के साइन अप कर लेना है। तो इस टाइप का आपको पेज ओपन होगा, जो भी आपको पेज अभी फिलहाल दिख रहा है वो आपको इस टाइप का पेज तो मोबाइल की स्क्रीन मैंने यहां पे लगा दी है। जब भी आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन को लगाएंगे वहां पर डालेंगे आप, तो सबसे पहले आपको ओला की ऑपरेटर एप्लीकेशन को डालने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे साइन अप करेंगे उसके बाद ही आपकी एक्टिवेट होगी। अगर आपका न्यू फ्रेशर अकाउंट है तो आपको सबसे पहले साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपको अपना अकाउंट में वहां पर जाना है ऑपरेटर की एप्लीकेशन पे। अब यहां पर आपको तीन डॉट दिख रहे होंगे, तो जैसे ही आप जाएंगे तो यहां पर आपको तीन डॉट दिख रहे होंगे। यहां पर कुछ लोग क्या यहां से ढूंढते हैं, तो आपको यहां पे जाना है, ये राइट आंसर है यहां पर। तो यहां पर जो आपको आइकन दिख रहा है ना प्लस का और राउंड अप का आइकन है, वहां पर जाकर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस निकल के आएंगे, जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं। तो पहले में है यहाँ पर ड्राइवर है और यहाँ पर व्हीकल है, ठीक है। तो इन दोनों में जाकर के आप ड्राइवर ऐड करना है तो ड्राइवर के ऑप्शन क्लिक करेंगे, और आपका फ्रेशर है बिल्कुल न्यू फ्रेशर अकाउंट है तब आपको ड्राइवर के भी कुछ ऑप्शंस वगैरह आएंगे, तो वहां पर आपको मेल आईडी नंबर और वो डिटेल्स कुछ शो करनी होगी, तो वो भी आपको फिल करना है। यहाँ से ही वो उसके अंदर ही पेज ओपन हो जाएगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो सबसे पहले हम अगर व्हीकल को चॉइस करते हैं तो यहाँ पर आपको व्हीकल में इस टाइप का ऑप्शन निकल के आएगा, तो यहाँ पर फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शंस पे आप देखेंगे तो यहाँ पर दिख रहा है एड न्यू व्हीकल, और यहाँ पर नीचे की साइड देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एड न्यू ड्राइवर। तो इनमें से एक एक करके आपको अगर गाड़ी का ऑप्शन आप क्लिक कर रहे हैं, गाड़ी हमको अटैच करना है तो गाड़ी के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर गाड़ी में जाएंगे तो इस टाइप की आपको पेज ओपन होने लगेंगे, यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। जैसे ही आपको स्टेजी सेलेक्ट कैटेगरी करना है तो यहाँ पर आपको कैटेगरी कौन सी कैटेगरी में है
तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको खाली दिख रहा है, यहाँ पे कैटेगरी आएगी और नीचे वाले पे व्हीकल नंबर आएगा और यहाँ पे दोबारा से री इंटर व्हीकल नंबर करना है। तो इस टाइप से पेज होंगे और कैटेगरी आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर एक क्लिक का बटन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन इस टाइप से सेलेक्ट किए जाते हैं ताकि आप समझ सको अगर आप ऑटो लगाना चाह रहे हैं कि बाइक लगाना चाह रहे हैं कि कार लगाना चाह रहे हैं। तो जैसे ही आप जो भी ऑप्शन कार वगैरह जो भी हैं अगर आप कार को चॉइस करेंगे फिर आपको यहाँ पर डन का ऑप्शन जो दिख रहा है यहाँ से आपको डन कर देना है। स्टेप बाय स्टेप आपके पेज ओपन होने लगेंगे। अगर आप बाइक लगाना चाह रहे हैं तो बाइक का भी ये वाला क्लिक कर लेना है बाइक पे। अगर आप ऑटो अटैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो अटैच करना है। तो इस तरीके से आपके पेज ओपन द ओपन नेक्स्ट पेज ओपन होते जाएंगे और जो भी फॉर्म जो मतलब डॉक्यूमेंट की वेरीफाई की जो रिक्वायरमेंट होगी वो आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर सारी चीज़ें फिल करते रहना है और 5 मिनट के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट फिल करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको खुद ही ऑप्शंस निकल के सारे आ जाएंगे, फिल करना है, सबमिट कर देना है, फिर आपको छोड़ देना है। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करो तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का करना और जेरोक्स वगैरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको मत डालना वहां पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन वगैरह ये बना रहेगा कि आपका आसिफ भाई कि अगर हमारे पास मेरे पास कई सारे कॉमेंट वगैरह आ रहे थे कि आसिफ भाई जो हमारे पास नई गाड़ी है उसके ऊपर हमारे पास आरसी बुक नहीं आती है, आरसी बुक। तो आरसी बुक अगर आपके पास नहीं आई है तो आप सिर्फ बिना आरसी के ओला के अंदर गाड़ी अटैच कर सकते हैं और वो भी सिर्फ ओला के अंदर, बाकी कहीं पर भी नहीं चलेगी। ओला के अंदर अगर आप आरटीओ से पार्टिकुलर पेपर के एक नाम से एक डॉक्यूमेंट होता है उसको आप ले लेंगे, आरटीओ से निकलवा लेंगे, मेरे यहाँ पे 200 रुपये कुछ चार्जेस है आरटीओ के, उस पेपर को निकालने का, उसके अंदर सारी डिटेल्स दी जाती है, आपकी फिटनेस होगी, आरसी की डिटेल्स होगी, परमिट की डिटेल्स होगी, मतलब काफी सारी डिटेल्स होती है। तो उसके थ्रू विदाउट आरसी के आप अपनी गाड़ी को अटैच कर पाएंगे सिर्फ ओला के अंदर ही, बस बाकी उबर में नहीं कर सकते, बाकी कोई भी दूसरे कोई भी कैब एग्रीगेटर कंपनी के पास प्लेटफॉर्म पे आप दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म पे विदाउट आरसी के कैब अटैच नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप ओला से कर सकते हैं और वो भी आपके पास पार्टिकुलर पेपर है। तो ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई, डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल रखना हमेशा और जो भी पिक्चर्स आप डाल रहे हो और क्लीन और नेट कर लेना और पीडीएफ वगैरह बना लेते हो तो बहुत अच्छी चीज है। तो पीडीएफ टू पीडीएफ अगर पेपर जैसे एप्लीकेशन वगैरह आती है ना उनमें आकर डाल के अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियरिटी कर लेते हो ना आपका तुरंत अप्रूवल आ जाएगा और धुंधले वगैरह अगर आपने पेपर डॉक्यूमेंट करेंगे तो वहां पर आपका अप्रूवल कैंसिल हो जाएगा। सबमिट आप जैसे करेंगे वहां पर आपका दोबारा से सबमिट करने पड़ेंगे पेपर। तो ये चीज का हमेशा याद रखना है। तो जब भी आप इस चीज को लेकर के ना किसी बहुत सारे कमेंट थे कि मैं अपने डॉक्यूमेंट 3 से 4 बार डाल चुका हूं तो आप यहां पे यही गलती करोगे, चारों कोने कंप्लीट आना चाहिए, स्कैन और नेट आना चाहिए, चाहे तो आप कोई भी एप्लीकेशन को यूज कर लेना, वहां पर स्कैन कर लेना और स्कैन करके बाद अपने डॉक्यूमेंट को रियलिटी मतलब चेक कर लेना, क्लियर सब कुछ दिखना चाहिए फाइनली तभी जाके। क्योंकि देखो यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंट फिल करते हो आप वो सीधे बेंगलोर जाते हैं और बेंगलोर वालों को हिंदी वगैरह ये सब नॉर्मल की लैंग्वेज नहीं आती है, तो इसके लिए आपको नेट ऑन क्लीन चाहिए, इंग्लिश में जो भी पेपर्स होते हैं ज्यादातर डॉक्यूमेंट सारे इंग्लिश में ही होते हैं लेकिन क्लियरिटी चाहिए क्योंकि वो वेरीफाई करते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, आपके ड्राइवर के डॉक्यूमेंट होंगे वो भी वेरीफाई होते हैं अंडर रिव्यू में जाने के बाद, सीआरसी वगैरह ये क्रिमिनल एक्टिविटी का केसेस वगैरह होते हैं ना ये सारे पूरा अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपके वेरीफाई होते हैं। बहुत सारे भाइयों की जो आईडी बंद हो जाती है ना कि जैसे ही मैंने चालू की बंद हो गई वो अंडर रिव्यू होता है, तो इस टाइप के अगर कोई भी इशू वगैरह है तो वहां पर आप फाइनली अपने डॉक्यूमेंट्स को क्लियरली कट करके उसके बाद सबमिट करें। मैं लास्ट में आपको यही कहूंगा पीडीएफ वगैरह जैसे स्कैन करते हैं ना वो टाइप का कंप्लीट करके उसके बाद डॉक्यूमेंट फिल करें, एक नंबर तुरंत 5 से 5-10 मिनट में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा, 24 घंटे नहीं लगते हैं। 24 घंटे वगैरह जो सिस्टम है ना वो पेपर वेरीफाई करने में डबल 3-3 बार होता है ना उनमें टाइम लगता है, बाकी 10 मिनट से ज्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा और 10 मिनट में आपकी आईडी सबमिट होने के बाद एक्टिवेट हो जाएगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे फाइनली इसके में, अगर कुछ कन्फ्यूजन वगैरह होता है तो कमेंट करके अपनी राय रख लेना और वहां पर कोई भी वगैरह आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो फाइनली आज का वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।